हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर गुड. आई एम योर फ्रेंड योर टीचर निशा शर्मा फ्रॉम अचीवर्स एकेडमी. गाइस, हिंदी का हम सीरीज जो है स्टार्ट किया है, उसमें हमने काफ़ी सारे हिंदी के टॉपिक्स जो है कर लिए हैं. तो आज जो टॉपिक लेके आए हैं ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने हमने पहले वाले टॉपिक्स किए हैं. तो आज हम एक न्यू टॉपिक जो है डील करते हैं जो टॉपिक रिलेटेड है हिंदी के लिए. तो ये HSSC के एग्जाम्स में हरियाणा DSSSB K.V.S जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम हैं, आप ये मान के चलिए ये टॉपिक सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है. द टॉपिक इज वाक्य. ठीक है भाई, द टॉपिक इज वाक्य. तो अपना टॉपिक है वाक्य. HSSC में हिंदी बहुत डोमिनेटिंग रहती है, HSSC में हिंदी बहुत डोमिनेटिंग रहती है, यूपी शिक्षक भर्ती DSSSB में 20 मार्क्स की आती है. तो हर जगह जहाँ हिंदी आता है तो इस टॉपिक से बेसिकली क्वेश्चन उठाने की होप रहती है. ठीक है, द टॉपिक इज वाक्य. तो वाक्य होता क्या है? देखिए, सबसे पहले ये कहिए व्हाट द मीन ऑफ वाक्य. वाक्य होता क्या है? वाक्य से पहले कुछ शब्दों को समझिए. सबसे पहले क्या होता है भाई? वर्ण. वर्ण से क्या बनते हैं? शब्द. शब्द से क्या बनता है? पद. पदों से क्या बनता है? वाक्य. सबसे पहले क्या होता है? ध्वनि. ठीक है भाई, भाषा की सबसे छोटी यूनिट जो होती है, भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है बच्चों? ध्वनि कहलाती है. ठीक है, भाषा की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है. ध्वनि के बाद क्या बनते हैं? वर्ण बनते हैं. छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं होते वर्ण कहलाती है. वर्ण के बाद क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं. शब्द से ही क्या बनते हैं? पद. अब बहुत बच्चे शब्द और पद में कंफ्यूज होते हैं. कोई भी शब्द है, जैसे मैंने लिखा राम, मैंने विद्या खाना, मैंने विद्या स्कूल. ठीक है, जब ये सीधे लिखे होते हैं, खाना, राम, स्कूल, कुछ भी है, जब ये सीधे लिखे हैं ना, ये शब्द कहलाएंगे. लेकिन जब मैं इनको सेंटेंस में लिख दूं, राम विद्यालय जाता है, ठीक है, तो इसमें ये जो बन गए ना, अब ये वाक्य के अंदर फॉर्म हो गए, तो अब ये शब्द नहीं कहलाते बच्चे, ये क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं. ठीक है, ये शब्द नहीं कहलाते, अब ये पद बन जाते हैं. ठीक है, ये क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं. लेकिन जब ये खाली लिखा हुआ है तो इट्स कॉल्ड अ शब्द. कहने का मतलब शब्द और पद एक ही चीज़ है. खाली प्रयोग होते हैं तो शब्द कहलाते हैं, सेंटेंस में प्रयोग हो जाते हैं तो पद बन जाते हैं. और बहुत सारे पद मिलकर क्या बना देते हैं भाई? वाक्य. तो आप कह सकते हो शब्दों का सार्थक समूह. ठीक है, शब्दों का सार्थक जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है. ठीक है, शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है. अब वाक्य को पढ़ने के लिए हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रयोग के आधार पे और दूसरा है रचना के आधार पर. बहुत सारे बच्चों को ये भी लगता होगा यार ये तो इजी सा टॉपिक है, हमें आता है. बट मैं कहूँगी एक बार चैप्टर को पूरा देखना, आज तक जो पढ़ा है यू विल फाइंड द डिफरेंस. चाहे सिंगल परसेंट हो पर डिफरेंस मिलेगा आपको. प्रयोग के आधार पे, रचना के आधार पे. तो प्रयोग के आधार पे वाक्य 3 प्रकार का है और रचना के आधार पे वाक्य 8 प्रकार का है. रचना के आधार पे वाक्य कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का. लेकिन प्रयोग के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के हैं भाई? 8 प्रकार के. 8 टाइप के होते हैं वाक्य. तो एक बार टेस्ट में सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, प्रयोग के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के हैं? तो प्रयोग के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के हैं बच्चों? 8 प्रकार के वाक्य हैं. किसके आधार पे? प्रयोग के आधार पे. तो सबसे पहला है विधिवाचक. सबसे पहला है विधिवाचक. अब देखिए इधर है ना, सबसे पहला होता है सर्ववाक्य. मैं इन दोनों को हमेशा साथ करवाती हूँ. इसके पीछे रीजन क्या है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार यही तो सर्ववाक्य लग रहा है, यही तो विधिवाचक लग रहा है. थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें. विधिवाचक के अंदर क्या होता है? ये दोनों लगभग दिखने में सेम है. जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री आने पे बच्चे खड़े हो गए.
सूर्य पूरब से निकलता है, वह स्कूल जाता है, वह सेना में भर्ती हुआ, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने चार सेंटेंसेस लिखे, लेकिन इनमें से दो सेंटेंस तो सरल वाक्य से रिलेटेड है और दो सही विधि वाचक से, दिखने में सेम लगते हैं। बच्चों को लगता है यार ये तो सारे के सारे ही सरल वाक्य हैं। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों को क्या लगता है, ये सारे के सारे क्या है भाई, सरल वाक्य है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को कुछ ऐसा लगता है, बड़ा ध्यान से देखिए, कुछ डिफरेंस फील करना। प्रधानमंत्री आने पर बच्चे खड़े हो गए। अब देखिए प्रधानमंत्री आ गया और बच्चे खड़े हो गए, क्या दिखा रहा है ये, विधि का रूल दिखा रहा है कि कोई बड़ा इंसान आता है तो आपको रेस्पेक्ट देनी चाहिए। तो ये विधि मीन्स क्या होता है, तरीका। जब आपको कोई तरीका शो करता है ना बच्चों, तो ये किसके अंदर आता है, विधिवाचक के अंदर आता है। ठीक है, सूर्य पूरब से निकलता है, सूर्य कहाँ से निकलता है भाई, हमेशा ही पूरब से निकलता है, तो सूर्य पूरब से निकलता है तो ये किसके अंदर आता है, विधिवाचक। लेकिन वह स्कूल जाता है, कहने का मतलब सरल वाक्य क्या है, जिसमें सिंपल एक सब्जेक्ट मतलब एक कर्ता हो, एक क्रिया हो और एक वही उसका कर्म हो। कहते हैं ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब वाला जो सिस्टम बना होता है, कर्ता क्रिया कर्म वाला जो सिस्टम बना होता है, वो सरल वाक्य होता है। अब वह स्कूल जाता है, सीधा एक सब्जेक्ट है उसका एक वर्ब है, मतलब सीधा एक कर्ता है और उसका एक क्रिया है, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, सरल वाक्य। अगर सेना में भर्ती हुआ, सिंपल सा स्टेट सा है, वह स्कूल गया, वह विद्यालय गया, वह खाना खाएगा, उसने पत्र लिखा, उसने पत्र पढ़ा, तो ये सब क्या कहलाते हैं भाई, सरल वाक्य। कहने का मतलब सरल विधि देखने में समान से लगते हैं भाई, सरल वाक्य की एक फॉर्मेशन सी होगी, सब्जेक्ट वर्ब होगी मतलब ऐसे भाई, और ये सिंपल कोई इंफॉर्मेशन सी गिवन होगी इसमें विधिवाचक में। ठीक है, सेकंड है प्रश्नवाचक, सेकंड कौन सा है भाई, प्रश्नवाचक। बहुत सिंपल से है ये, थोड़ा सा बहुत मतलब ज्यादा स्ट्रेस से नहीं समझाती, फ्लो में चलते हैं, उधर से इंपॉर्टेंट सेक्शन आएगा। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वो वाक्य जो कोई प्रश्न पूछते हैं, जैसे आप कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, सिंपल सा सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क आपको पीछे मिलेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं भी मिले तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ, क्या, कैसे, कब, ये सब क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं ना, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, लाइक, तो ये सब किस में आते हैं बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्य में, मतलब सीधा सीधा जब प्रश्न पूछा जाता है तो वो किसके अंदर आते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य में। तीसरा है संदेहवाचक, तीसरा कौन सा है भाई, संदेहवाचक वाक्य। अब देखो संदेह का मतलब क्या होता है, संदेह का मतलब होता है शक, संदेह का मतलब होता है डाउट। जब आप संदेह में हैं, जब आप डाउट में होते हैं, तो ये कौन सा कहलाता है भाई, संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, जब आप संदेह में होते हैं, आप डाउट में होते हैं, तो क्या कहलाता है, संदेहवाचक। जैसे मैं लिखूं शायद आज माता जी आएंगे, ठीक है, मैंने लिखा शायद आज माता जी आएंगे, शायद आज बारिश होगी, शायद आप सफल होने के बाद मुझसे मिलने आएंगे, तो लाइक ये किसके अंदर आते हैं भाई, संदेहवाचक के अंदर। तो मींस जो भी ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर आपको ये लग रहा है पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम हम सक्सेस होंगे तो हम आपसे मिलने आएंगे, तो मैं कहती हूँ शायद आप लोग मिलने आएंगे, तो भाई ये संदेहवाचक है। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगेगा अपनी सक्सेस को आप अचीवर्स के साथ शेयर करेंगे, आई फील इट्स माई हैप्पीनेस। ठीक है, तो संदेहवाचक, शायद माता जी आएंगे, शायद हम जाएंगे, लाइक ये जो सेंटेंस होते हैं बच्चे ये किसके अंदर आते हैं, संदेहवाचक के अंदर। क्लियर, नेक्स्ट है आज्ञावाचक, नेक्स्ट कौन सा है भाई, आज्ञावाचक। देखो आज्ञा मीन्स इसके अंदर कोई परमिशन दी जाती है, जैसे बाहर खेलने जाओ, आप बाहर खेलने जाओ,
ठीक है भाई, तो आप बाहर खेलने जाओ, तो लाइक जब हम परमिशन देते हैं, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, मीन्स कोई ऑर्डर जब होता है, आज्ञावाचक में कोई ऑर्डर है, कोई कमांड है, कोई परमिशन है, कहते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं ऑर्डर को हिंदी में, आज्ञा ही बोलते हैं, हाँ कोई आज्ञा दी जाती है, कोई कमांड दी जाता है किसी को, कोई कुछ इसी टाइप से, कोई भी जो सेंटेंसेस होते हैं वो किसके अंदर आते हैं बच्चों, आज्ञावाचक, कि जाओ बाहर खेलो, जाओ ये करो, लाइक तो ये सब किसमें आते हैं, आज्ञावाचक के अंदर। नेक्स्ट है निषेधवाचक, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है भाई, निषेधवाचक। अब देखो निषेध का क्या मतलब होता है, निषेध का मतलब क्या होता है, मनाही, निषेध का मतलब क्या होता है भाई, मनाही, मनाही, जब हम किसी को मना करते हैं, जो नहीं वाला सेंस होता है, आपको ये, आपको जैसे हम अपने बच्चों को डांटते हैं, सर्दी बहुत है, मैं अपने ही सेंटेंस क्रिएट करती हूँ भाई, बाहर नहीं खेलने जाना, हाँ देखो मैं कह रही हूँ सर्दी बहुत है, बाहर खेलने नहीं जाना, तो इसका मतलब नहीं वाली सेंस जहां पर आती है तो वो बच्चों किसके अंदर आते हैं, निषेधवाचक, ठीक है, जब नहीं वाली सेंस आती है तो वो किसके अंदर आते हैं, निषेधवाचक। अब देखो कुछ बच्चों को लगता है जो नहीं होता है वो ही निषेध होता है, लेकिन एक सेंटेंस आया था पेपर में, ठहरो क्वेश्चन है, ठहरो आगे खतरा है, अब देखो मैं कह रही हूं ठहरो आगे खतरा है, इट मींस मैं आपको रोक ही तो रही हूं, अभी तो मैं आपको मना ही कर रही हूं, देखो कहने का मतलब आपको ये मत सोचना नहीं दिखेगा तो ही निषेधवाचक होगा, ठहरो आगे खतरा है, तो ये भी इस कौन सा वाक्य हो गया भाई, निषेधवाचक, आपको नहीं नहीं दिखा तब भी कौन सा वाचक हो गया भाई, निषेधवाचक, ठीक है ना, जब आप मनाही होती किसी चीज के लिए तो ये क्या कहलाता है, निषेधवाचक। नंबर सिक्स इच्छावाचक, इच्छा, जब हम किसी के लिए कोई विश करते हैं, किसी के लिए कोई ब्लेसिंग्स करते हैं, कहते हैं ना भगवान तुम्हारा भला करे, मेरी तो विश यही है भाई, आप जिस पर्पज से मेरे साथ जुड़े हैं, जस्ट फॉर योर सक्सेस, तो मैं चाहती हूँ भगवान तुम सबको कामयाब करे, तो ये मेरी इच्छा है दिल से, तो इट्स कॉल्ड द इच्छावाचक। जो होते हैं ना सिंपल सिंपल से, जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस यू कैन से इन इंग्लिश, जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे, तो ये कौन सा सेंटेंस है भाई, ऑब्जेक्टिव, इच्छावाचक, तुम अच्छे नंबर से पास हो, तुम्हारी उम्र बड़ी हो, लाइक जितने भी ये सेंटेंसेस होते हैं ये किसके अंदर आते हैं भाई, इच्छावाचक। तो देखो भगवान तुम्हारा भला करे, अब यहाँ पे देखो लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सिंबल आपको गिवन होगा, इच्छावाचक के बाद ये जो विस्मयादि सूचक चिन्ह होता है ये सिंबल आपको हमेशा मिलेगा, किसके बाद भाई, इच्छावाचक वाक्य के बाद, ये आपको हमेशा गिवन होगा, सो डोंट वरी, ऑलवेज यू विल फाइंड दिस सिंबल इच्छावाचक के अंदर, ठीक है। अब कई बच्चों को लगता है इच्छा हमेशा अच्छी अच्छी होती है भाई, क्या हमसे जलने वाले लोग ही नहीं होते क्या दुनिया में, मीन्स बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं भाई जिनकी हमारे लिए अच्छी इच्छा नहीं होती, आपने कभी भी देखा हर इंसान कहता है आप उससे बेहतर करें, आप उससे बेहतर करें, पर जब आप उससे बेहतर करने लग जाते हो, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, तो लोग आपसे जलने लग जाते हैं, ठीक है, मीन्स हर इंसान कहता है कि आप उससे बेहतर करें, पर जब आप उससे बेहतर करते हो तो कोई इस चीज़ को पसंद नहीं कर पाता, बड़ा तुम करो उनसे अच्छा कर करके अपने आप को, ठीक है, तो कहने का मतलब भाई दूसरों की हमारे लिए बुरी इच्छा भी तो हो सकती है, तो इच्छावाचक का मतलब ये नहीं है कि अच्छा अच्छा इच्छावाचक होता है। एक सेंटेंस है, आप लोगों को नहीं बोल रही भाई मैं समझा रही हूँ, जैसे भगवान तुम्हारा विनाश करे, मैं कह रही हूँ आप लोगों को नहीं समझा रही हूँ, भगवान तुम्हारा विनाश करे, अब ये बता दो भाई कौन सा वाक्य हो गया, ये भी तो इच्छा है भाई, किसी की इच्छा होगी हमारे लिए ऐसी भी, तो ठीक है ये किसके अंदर आ गया, इच्छावाचक, ये कौन सा हो गया भाई, इच्छावाचक, मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इच्छाएं होती हैं। नंबर सात है संकेतवाचक, देखो नाम से क्लियर है संकेतवाचक, इसके अंदर क्या होता है, दो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, यू कैन से दो वाक्य होते हैं, क्योंकि भाई वाक्य वो ही होता है जिसमें क्रिया होती है, मैं कहूँ यह पंखा है, ये क्रिया नहीं है,
मतलब ये वाक्य नहीं है, ये वाक्यांश है, ये वाक्य का भाग है, जिसको इंग्लिश में हम फ्रेज बोल देते हैं. इट्स नॉट ए सेंटेंस, इट्स अ फ्रेज, ठीक है ना. तो यह पंखा है, वाक्यांश है, ये वाक्य नहीं है. लेकिन मैं कहूं यह पंखा चलता है, तो जब क्रिया आ जाती है तभी वो क्या बन जाता है भाई, वाक्य बन जाता है. ठीक है, तो संकेत वाचक के अंदर क्या होता है, दो वाक्य होते हैं और दोनों ही वाक्य एक दूसरे पर क्या होते हैं भाई, आधारित होते हैं. मीन्स एक काम का होना दूसरे काम पर आधारित होता है, तो ऐसा सेंटेंस क्या कहलाता है, संकेत वाचक वाक्य. जैसे यदि आप मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगे. यदि बारिश अच्छी होगी तो खेती अच्छी होगी, ठीक है ना. यदि आप मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगे, यदि बारिश अच्छी होगी तो खेती अच्छी होगी. तो क्लियर है, वन सेंटेंस डिपेंड ऑन अनदर सेंटेंस. यदि बारिश अच्छी होगी तो खेती अच्छी होगी, इट मीन्स बारिश का होना और खेती का होना. यदि आप मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगे, तो आपकी मेहनत करना और सफल होना. टू सेंटेंसेस आर वेन डिपेंड ऑन ईच अदर, जब दो वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं तो वो क्या कहलाता है भाई, संकेत वाचक वाक्य. नेक्स्ट एंड द लास्ट है विषमयादि बोधक. विषमयादि सोचक, जिसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, विषमयादि, इसके अंदर क्या होते हैं, अचानक आने वाले भाव होते हैं. इस वाक्य में क्या होते हैं, अचानक आने वाले जो भाव होते हैं वो किसमें आते हैं, विषमयादि बोधक के अंदर. ठीक है, अचानक आने वाले जो भाव होते हैं वो किसके अंदर आते हैं भाई, विषमयादि बोधक या विषमयादि सूचक के अंदर आते हैं. क्या, अचानक आने वाले भाव. जैसे आपका पेपर पास होगा, क्या बोलोगे भी सीधा, वाओ मैं पास हो गया, ऐसे ही बोलोगे ना. जैसे कोई बच्चा मतलब बहुत अच्छा करता है किसी के लिए, तो हम कहते हैं वाओ यार टू गुड. एक बहुत सुंदर चीज आपको दिखाई देती है तो आप क्या कहते हैं, वाओ व्हाट ए ब्यूटी. लाइक ऐसे बोलते हैं ना, वाओ कितनी सुंदर इमारत है, मतलब कुछ भी. तो जो अचानक भाव निकलते हैं, गंदगी देख के आप क्या कहते, छी कितना गंदा कितना बकवास. तो मीन्स विषमयादि बोधक क्या होते हैं, जो सडन फीलिंग्स को दिखाते हैं, अचानक आने वाले भाव को दिखाते हैं, तो वो कौन से होते हैं भाई, विषमयादि बोधक. ठीक है, लिख लीजिए तुरंत ना, वाओ मैं पास हो गया, छी कितनी गंदी इमारत है, हुर्रा एक्सेट्रा, ये जो वर्ड्स होते हैं, तो ये कौन से होते हैं भाई, विषमयादि सूचक. तो इसमें शब्द के बाद आपको ये सिंबल मिलेगा, शब्द के बाद एक्सक्लेमेटरी सिंबल मिले तो ये विषमयादि बोधक होता है, पूरे सेंटेंस के बाद ये मिले तो इच्छावाचक वाक्य होता है. ठीक है, डिफरेंस याद रखना, शब्द के बाद ये सिंबल आए विषमयादि बोधक, पूरे वाक्य के बाद आए तो इच्छावाचक. क्लियर, तो ये तो थे भाई प्रयोग के आधार पे. अब है रचना के आधार पे, तो रचना के आधार पे पहला टाइप हम कर चुके हैं जो है अपना सरल वाक्य. ठीक है, सेकंड है भाई संयुक्त वाक्य. सेकंड कौन सा होता है, संयुक्त वाक्य. अब देखिए संयुक्त वाक्य जो होता है, नाम से क्लियर, संयुक्त, संयुक्त मतलब दो, संयुक्त मतलब दो. संयुक्त वाक्य के अंदर क्या होता है, दो वाक्य होते हैं, ध्यान से सुनना, इसके अंदर दो वाक्य होते हैं लेकिन दोनों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है. ठीक है, इसके अंदर दो वाक्य होते हैं लेकिन दोनों वाक्यों का अपना क्या होता है भाई, स्वतंत्र अर्थ होता है. दोनों सेंटेंसेस का अपना इंडिविजुअल अर्थ होता है, मतलब दो सेंटेंस होते हैं और दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं भाई, आधारित होते हैं. ठीक है, तो जब दो वाक्य एक दूसरे पर आधारित नहीं, सॉरी स्वतंत्र, मीन्स दो सेंटेंसेस हैं, दोनों का अपना अपना अर्थ है. ठीक है, दोनों का क्या है, अपना अपना अर्थ है. वो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी भी वाक्य पर आधारित नहीं होते तो वो कौन से वाक्य कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य. ठीक है, दो सेंटेंसेस होते हैं, दोनों का अपना अपना अर्थ होता है और वो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी भी सेंटेंस पर आधारित नहीं होते तो कौन से वाक्य कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य. जैसे मैं कहूं वह आगरा गया और उसने ताजमहल देखा,
अब ध्यान से देखो इस वाक्य को, वह आगरा गया, एक सेंटेंस, क्रिया आ गई तो इसका मतलब एक सेंटेंस, उसने ताजमहल देखा, दूसरा वाक्य, वह आगरा गया, सेंटेंस इज क्वाइट क्लियर। आपको इस सेंटेंस के लिए इस पर आधारित होने की जरूरत नहीं है, कोई भी सेंटेंस किसी पर बेस्ड नहीं, अपना क्लियर मीनिंग दे रहा है, तो ये कौन सा हो गया भाई, अपना क्लियर, उसने ताजमहल देखा, क्वाइट क्लियर है। जब दो वाक्य होते हैं दोनों के बीच कोई योजक शब्द होता है, ठीक है, दोनों के बीच कोई योजक शब्द होता है और दोनों एक दूसरे पर आधारित नहीं होते हैं, तो वो कौन सा वाक्य कहलाता है, संयुक्त वाक्य। ये वाक्य का चैप्टर बच्चों बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इंग्लिश का एक चैप्टर होता है क्लोजेज, जो बच्चों को कभी समझ ही नहीं आया, पता नहीं क्यों बच्चों को हवा रहता है या क्लोजेज नहीं समझ में आते। मैं कह रही हूँ आपने मेरा हिंदी का वाक्य अच्छे से देखा ना, इसके बाद मैं आपको इंग्लिश में वाक्य ही करवा दूंगी, सेंटेंस, सेंटेंस में ही क्लोजेज होते हैं, उपवाक्य होते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका क्वाइट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोजेज करवाऊंगी मैं इसके बाद, इसको अच्छे से देखो, क्लोजेज यू मुट्ठी में हो जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं क्लोजेज कर रहे हो इंग्लिश के। तो वह आगरा गया, उसने ताजमहल देखा, वह छत पे, छत से गिरा और मर गया, तो वह मर गया, वह छत से गिरा, मतलब सेंटेंस जब किसी पर आधारित नहीं होते तो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भाई मिश्र वाक्य, नेक्स्ट कौन सा है, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य दूसरे पर आधारित होता है, ठीक है। मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे पर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, एक वाक्य दूसरे पर आधारित होता है बच्चों, तो ये कौन सा वाक्य कहलाता है, मिश्र वाक्य, ठीक है। जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होता है तो ये कौन सा वाक्य कहलाता है, मिश्र वाक्य जो है कहलाता है। कैसे, उसने कहा कि चाचा नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, ठीक है, वे फल कहाँ हैं जो तुम लाए थे, अब देखिए इसके अंदर दो वाक्य हैं, उसने कहा, ये भी वाक्य हो गया क्योंकि इसमें क्रिया आ गई, जहां क्रिया आ जाता है वो वाक्य बन जाता है, उपवाक्य कह सकते हो। उसने कहा, अब देखो क्या कहा, ये अपना चाचा नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, मींस ये वाली बात इसके ऊपर क्या होगी भाई, डिपेंड होगी। जब दो सेंटेंस एक दूसरे पर आधारित है, संयुक्त में क्या है, दोनों का अपना अपना मीनिंग था, इसमें क्या है, एक सेंटेंस दूसरे पर आधारित है, तो वो कौन से कहलाते हैं भाई, मिश्र वाक्य। वे फल कहाँ है, क्वेश्चन अराइज, कौन से फल भाई, क्वेश्चन अराइज हो गया तो इसका मतलब सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं है, जब सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं है तो कौन सा वाक्य कहलाता है, वो मिश्र वाक्य, ठीक है। वे फल कहाँ है जो तुम लाए थे, तो क्लियरली क्लियरली कौन से वाक्य का उदाहरण है भाई, ये मिश्र वाक्य का, क्लियर। अब मिश्र वाक्य के अंदर होता है बच्चों प्रधान उपवाक्य, आश्रित, और फिर इसका उपवाक्य का एक चैप्टर बनेगा जिसमें संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, मतलब वाक्य का सेकंड पार्ट करवाऊंगी जो पीजीटी वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीआरटी और पीजीटी में क्वेश्चन यहाँ से ही आ जाता है, पीजीटी लेवल्स का आप एग्जाम दे रहे हो तो संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य वहां से क्वेश्चन आते हैं, बस यहाँ एक क्वेश्चन और समझ लो। इनमें से एक तो होता है आश्रित और एक होता है प्रधान, क्वेश्चन आता है कौन सा तो आश्रित है और कौन सा प्रधान है, मतलब कौन सा आश्रित होता है और कौन सा प्रधान। अब देखो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है यार ये बहुत बड़ा दिख रहा है, चाचा नेहरू हमारे प्रधानमंत्री है, ये तो प्रधान पाएगा और ये बेचारा छोटा सा दिख रहा है ये तो आश्रित पाएगा, इज द प्रिंसिपल क्लोज एंड इज द सबॉर्डिनेट क्लोज, ठीक है। क्लोज वाला चैप्टर बिल्कुल ईजी लगेगा आपको इसको करने के बाद। अब ध्यान से देखना ये वाली जो बात है ये इसी के कहने पर तो है, यदि ये ना कही जाती तो इसका कोई मतलब ही ना होता, तो ये वाला हिस्सा तो क्या कहलाएगा भाई, प्रधान उपवाक्य, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, प्रधान उपवाक्य, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, आश्रित उपवाक्य, ठीक है ना, ध्यान रखना। दिखने में लग रहा है ये बड़ा ये छोटा, लेकिन इसके कहने पर ही तो ये बात आई ना, तो ये बात तो क्या है, आश्रित उपवाक्य है और ये प्रधान, तो ये प्रधान उपवाक्य है, उपवाक्य क्यों बोला, वाक्य का भाग उपवाक्य है,
और ये क्या है आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। दूसरा शॉर्टकट जो ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर के बाद वाले होते हैं आश्रित, कैरेक्टर से पहले वाले होते हैं प्रधान, ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना। अब इसका मैं सेकंड पार्ट जो है आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊंगी, क्योंकि सेकंड पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उपवाक्य, जिसमें संज्ञा संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य को हम डील करेंगे। सो इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि बच्चे सीरियसली स्पीकिंग आपकी लाइकिंग आपकी शेयरिंग मेरे लिए बहुत मैटर करती है। आपकी लाइक और शेयरिंग ही है जो मुझे मोटिवेट करेगी आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आप चाहते हो अचीवर स्टॉक पे हो, तो इसको टॉप पे लाने में सिर्फ आप ही हो, ओनली आप। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, ना ही फेसबुक ना ही ट्विटर, मैं कुछ नहीं यूज करती जहाँ मैं शेयर करूँ। टीचिंग मेरा पैशन है और मैं चाहती हूँ पैशन को लाखों लोगों तक पहुँचाऊँ, ठीक है। तो बस आपकी शेयरिंग, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे मुझे अच्छा लगेगा और मैं उतनी ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँगी, तो इसमें आपका भी फायदा और वही मेरा भी। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। हरियाणा HSSC DSSSB KVS हर चीज़ का नोट्स पैकेज अवेलेबल है, कोई लेना चाहे तो आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कोचिंग क्लासेस ऑलवेज जारी रहती हैं, आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत, किसी को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है यू कैन गो। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। और हाँ, लाइव सेशन हम शुरू कर रहे हैं भाई, साइकोलॉजी और हिस्ट्री का चल रहा है, हिंदी का भी बहुत जल्दी शुरू करेंगे। लाइव सेशन उनको ही मिलेगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, तो कीप सब्सक्राइब कीप शेयर कीप वाचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।